ऑल इंडिया इंश्योरेंस कर्मचारी एसोसिएशन के आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा निगम हमीरपुर की दोनों शाखाओं के कर्मचारियों ने भोजनावकाश के समय प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन LIC के IPO लाने पर किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अध्यक्षता शाखा प्रबंधक पवन मनकोटिया ने की। उन्होंने कहा कि सरकार LIC को बेचने की ठान चुकी है, जो मान्य नहीं होगा। इस मौके पर सचिव अंकुश कुमार, सह सचिव रवि कुमार, उप प्रधान विकास राणा, सदस्य पूनम, प्रीतिका, सत्या, बीना, दीपचंद, विक्रम, राजेंद्र, राजेश, कुलदीप, शमशेर, बलदीप आदि मौजूद रहे। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो बजट के अंदर LIC को सूचीबद्ध करने का जो योजना बनाई है, जिससे जो केंद्र सरकार है आज जो घुटनों के बल चल रही है, वो LIC को बेच करके उभरना चाहती है। और आज LIC का एम्प्लॉय ही नहीं, इसका जो तमाम इसके चाहे अधिकारी है, चाहे वो विकास अधिकारी है, चाहे हमारा क्षेत्र वाला है, चाहे हमारे जो LIC के पॉलिसी होल्डर हैं, वो भी आज इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि सरकार आज अगर इतने बड़े सार्वजनिक क्षेत्र को बेच रही है, तो कल इसको इसका कल क्या होगा, इनका क्या फ्यूचर होगा, भविष्य इस सरकार का क्या होगा, ये कहाँ भागेंगे, ये उससे उसको लेकर के आज देश की जनता भी इनसे त्राहिमाम कर रही है। और आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार इसको बेचने से बाज आए, लोगों के जो हार्ड अर्न्ड मनी है, जो बहुत मेहनत से उनकी कमाई हुई जो धन है, उसके साथ खिलवाड़ ना करे, ना करे, ना करे। ये हमारा आज इस सरकार को हम मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि ये बाज आए इन चीज़ों से और लोगों के पैसे से या भविष्य से खेलने का वो जितने भी इन्होंने कदम उठाए हैं उनसे बाज आए। यही है कि इसको पहले तो बचाया जाए, जो FDI है इसमें जो वहाँ से लोगों बाहर की चाहे देसी है चाहे विदेशी है, जितने भी इजारेदार हैं उनको ना बेचा जाए, इसको गिरवी ना रखा जाए, इसको तहस नहस ना किया जाए, क्योंकि यही एक दायरा है या बैंक है या LIC है जो सरकार को चलाने के लिए धन मुहैया कराती है। लॉन्ग टर्म जो है जो इसकी जो प्लाने हैं उन योजनाओं के माध्यम से ये इनको धन जो मुहैया करा रहे हैं, सरकार को चलाने के लिए जो धन मुहैया करा रहे हैं वो मिलता रहे, ताकि लोगों के काम भी चलते रहे और देश भी चलता रहे। ये हमारा मानना है सबसे प्रथम। ये बाकी तो जब इसको बेच दिया जाएगा तो ये जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे तो वो हमारे बीमा धारक हैं, उनके धन से खिलवाड़ होगा, लोगों की जो है वो भी तो उसी समाज से आए हुए हैं, उनकी नौकरियां बचें, और जो जितने भी हमारे जो क्षेत्र वाला है उसके भी जो जैसे जैसे रोजगार में लगे हुए हैं, 10 लाख से ज़्यादा तो हमारे बीमा करते जो एजेंट हैं अभी करते हैं, उनकी भी नौकरी बचे, जो कर्मचारी हैं उनकी भी नौकरी बचे, सरकार भी को भी काम करने का मौका मिले, और ये जो लॉन्ग टर्म जो इसकी बचते हैं उनको बचाया जाए, लोगों के पैसे से खिलवाड़ ना किया जाए। यही हमारा इसके मुख्य उद्देश्य है। जितने भी कदम ये निजीकरण के उठा रहे हैं, चाहे वो निजीकरण का है, चाहे IPO मतलब सूचीबद्ध करने का है, मतलब जिसके द्वारा मतलब स्टॉक एक्सचेंज में इसको सूचीबद्ध करने की बात है, वो कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इससे पहले हम ये भी कहना चाहते हैं सरकार से कि क्योंकि इसके एक्ट जो 1938 का उसको अंदर तरमीम की जा रही है, उसको भी बंद किया जाए।
उस एक्ट को जिसके अंदर वो इसको लाया गया था इंश्योरेंस को, उसके अंदर कोई तरमीम ना की जाए, ये हमारा इसमें मानना है।